इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर के कालीबाड़ी मंदिर के पास से टर्निंग में तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ऑटो में बैठे 4 लोग घायल हो गए। उपचार के लिए इन्हें जिला अस्पताल लाया गया। घटना सोमवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सिवनी से विवाह समारोह में शामिल होने आया परिवार सोमवार सुबह वापस ऑटो से बस स्टैंड की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान विद्या भूमि स्कूल की टर्निंग में अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो में सवार सरिता पति राजेंद्र मेश्राम, उषा पति ज्ञानराम, नंदिनी पिता हरिराम तथा संजय पति दीपचंद गेडाम घायल हो गए। उपचार के लिए इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कितने बजे की घटना? 8 बजे। ऑटो में ऐसे कितने लोग सवार थे? 6 से 7। ये धर्म टेकन से निकले थे ऑटो में बैठ के और बरघा टोल इधर आगे गांव है उनका। उसके ऑटो पता नहीं क्या स्लिप मार गया, क्या हुआ एकदम से, मतलब ब्रेक लगा नहीं उसका तो सीधा खाई में। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किया गया है, जिसमें जिले में कक्षा 12वीं में प्रदेश में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों के साथ जिले के अव्वल विद्यार्थियों, उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों और अभिभावकों को भी जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अवधूत काले सहित शिक्षा विभाग का अन्य स्टाफ मौजूद था। Good morning, I am from Little Step Higher Secondary School, Borka. I got 482 marks out of 500. And I am, this credit goes to my parents, my teachers and school. अनुज माहौरे हैं और मैं एक्सीलेंस स्कूल छिंदवाड़ा से हूँ। मैंने अभी जितने अंक अर्जित करे ये अपने माता पिता, मेरी सिस्टर और स्कूल के गुरुजनों के कारण हो सका है। और मैं भविष्य में मेरी IIT से ग्रेजुएशन करने की इच्छा है, तो मैं अभी JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। I was going to say Som has stolen piece of my speech by saying this is just a start and you are all very hardworking kids, you are very diligent kids, आप बहुत hardworking और मेहनती हो। जिले में गर्मी के सीजन में पानी की कहीं भी किल्लत नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं पेयजल समस्या संबंधी खबरें मिलती हैं, तो संबंधित विभागीय अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर समस्या का निराकरण करें। समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीतला पट्टे के द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर द्वारा समय सीमा के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई और प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आयोजित नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत का शुभारंभ कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर पालिका निगम टाउन हॉल छिंदवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, भाजपा नेता संतोष राय, शिव मालवी, भरत घई, माइकल पहाड़े, कृपा शंकर सूर्यवंशी, दिनेश कांत मालवीय उपस्थित थे। ऐसे कितने भाई बहन है जिनके बच्चों ने 12वीं पास कर ली, हाथ उठाओ जरा। बहुत से भाई बहन है जिनने 12वीं पास कर ली। अभी एक योजना बना रहा हूं मैं जो जुलाई से लागू होगी। 12वीं पास के बाद भी अगर कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हैं, तो ऐसे बच्चों को। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, फ्री डेज, फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों को लेकर योजना तैयार की गई। सर्वप्रथम ये बात पे हमारी सहमति हुई कि रेलवे अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक जो है, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे DRM नागपुर के नाम का, जिसमें हमने मांग की है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है उसको वाया छिंदवाड़ा चलाया जाए, और दूसरा जो वहाँ पे एक शौचालय, अतिरिक्त शौचालय की व्यवस्था प्लेटफार्म के पास की जाए, ताकि जो यात्रीगण यहाँ वहाँ गंदगी करते रहते हैं उससे निजात मिल सके। गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का 8 दिवसीय आयोजन प्रारंभ है, जिसमें सकल जैन समाज के 200 से अधिक बच्चे खेल खेल में जैन दर्शन का पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर पंडित विराग जी शास्त्री जबलपुर एवं पंडित संजय श्री सिद्धार्थी इंदौर द्वारा बच्चों को बहुत ही रोचक तरीके से जैन दर्शन के साथ संस्कार शिविर की महिमा बताई गयी। वार्ड क्रमांक 42 में पार्षद पद का उपचुनाव होना है, इसके लिए कलेक्ट्रेट में आवेदन मिल रहे हैं। पार्षद पद के प्रत्याशियों के द्वारा आज ही दिन भर नामांकन भरने के लिए फॉर्म लिए गए। जनपद पंचायत में पूर्व विधायक दीपक सक्सेना के द्वारा जनपद के अधिकारियों और जनपद सदस्यों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। महेश्वरी समाज के द्वारा समाज की जयंती के अवसर पर विशेष पूजा पाठ कर महेश्वरी समाज के भवन से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से